हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे न्यू मोड वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने GTA 5 गेम के अंदर एक न्यू मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। मोड का नाम है विंच फॉर ऑल व्हीकल, बट बहुत से लोगों ने इस मोड को अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे कि पुलिंग व्हीकल या फिर टोइंग व्हीकल। सो फ्रेंड्स, इस मोड के नाम को जो है वो साइड में रखते हैं और इस मोड के काम को देख लेते हैं, मतलब इस मोड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इस मोड को क्यों यूज करना है, सब कुछ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3 कार को स्पॉन करना होगा। जब तक मैं 3 कार को स्पॉन कर रहा हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑफ रोड कार को मैं एक स्पॉन करूंगा, यहाँ पर मैं इस कार को स्पॉन कर लेता हूँ। मुझे एक और कार को स्पॉन करना होगा, सुपर कार में से मैं एक कार को स्पॉन कर लेता हूँ। मैं ब्लॉइड को स्पॉन कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे जो है एक मसल कार को जो है मैं स्पॉन कर लेता हूँ। चलो मैं इसे ही स्पॉन कर लेता हूँ, इसे स्पॉन कर लेता हूँ येल्लो। तो मैं 3 कार को यहाँ पर मैं स्पॉन कर लिया हूँ। अब मैं सबसे पहली कार जो है ये जो ऑफ रोड कार है, ये थोड़ी सी हैवी कार है देखने में लग रहा होगा आपको, और ये जो सुपर कार है ये थोड़ा सा लाइट कार है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और कार में बैठने से पहले मुझे देख लेना है कि मेरे हाथ में कोई गन है या नहीं है। अब गन मैंने ले लिया है, अब मैं इस कार के अंदर बैठ जाता हूँ। अगर आप गन नहीं लोगे तो भी चल जाएगा, बट मैंने सेफ्टी के लिए जो है वो गन ले लिया है। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मतलब कि मैं एम कर रहा हूँ। जहाँ पर भी मेरा एम का पॉइंट रहेगा वहाँ पर जो है एक रोप अटैच होगा, एक विंच अटैच होगा। अब वो कैसे अटैच होगा, हमें स्पेस बार दबाना है, मतलब कि हैंड ब्रेक दबाना है और शिफ्ट प्रेस करना है। लेफ्ट साइड का जो शिफ्ट होता है उसे प्रेस करना है। मैंने स्पेस बार दबा के रखा है, अब मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करते यहाँ पर जो है वो एक हुक लग गया है। अब मैं अपनी कार को अगर भगा रहा हूँ तो मेरी जो ऑफ रोडिंग कार है वो हैवी है और जो पीछे की कार है, मतलब कि जो मेरी सुपर कार है, वो थोड़ी सी लाइट है। तो ये इजीली जो है इस कार को खींच रहा है, टो कर रहा है, पुल कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कार से बाहर निकलता हूँ और ये जो रोप लगा हुआ है, ये जो टो लगा हुआ है और ये जो विंच लगा हुआ है, इसे अनहुक करने के लिए हमें दोबारा से कार के अंदर बैठना है। और यहाँ पर जो मैंने ब्रेक दबा के रखा हुआ है, मतलब हैंड ब्रेक दबा के रखा हुआ है, स्पेस बार दबा के रखा हुआ है, और मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। स्पेस बार प्रेस करके रखना है और शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद में ये जो हुक रहेगा वो फ्री हो जाएगा। अब मैं इस कार से बाहर निकलता हूँ। इस कार से बाहर निकलने के बाद में मैं इस कार में जा रहा हूँ, मतलब इस सुपर कार में मैं आ गया हूँ। इस सुपर कार को मैं इस कार के आगे लेकर आऊँगा, मतलब इस ऑफ रोड कार के सामने मैं लेकर आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में मैंने स्पेस बार दबाया और शिफ्ट दबाया। यहाँ पर मैंने स्पेस बार प्रेस करके रखा था, उसके बाद में लेफ्ट शिफ्ट दबाया, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हुक लग गया। अब मैं अपनी इस कार को अगर भगा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सुपर कार है इस ऑफ रोड कार को जो है वो टो नहीं कर पा रही है, पुल नहीं कर पा रही। तो इस समय में हमें क्या करना है, F8 में प्रेस कर रहा हूँ। ये मेन्यू मोड है। अगर अभी तक आप अपने GTA 5 गेम के अंदर मेन्यू मोड इंस्टॉल नहीं किया हो तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, जाके वो देख लो और इंस्टॉल कर लो। अगर आप लोग मेरे वीडियो पहले से देखते होंगे तो ये जो मेन्यू मोड है आप इंस्टॉल भी करेंगे और इस पूरे मेन्यू मोड को कैसे इस्तेमाल करना है वो सब आप लोग जानते होंगे। तो मैं व्हीकल ऑप्शन पे जाता हूँ और ये सब जितने भी मोड्स हैं यहाँ पे, जितने भी ऑप्शन है, सब के सब मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है। मेन्यू मोड के ऊपर एक पूरी सीरीज बना के रखा हुआ है, तो वो सीरीज आप देख लोगे तो सभी चीज़ जो है आप लोग जान जाओगे। तो मुझे क्या करना है, इस कार को, मतलब इस सुपर कार को, उस ऑफ रोड कार को पुल करने के लिए व्हीकल मल्टीप्लायर पे जाना है। मैंने 6 करके रखा हुआ है पहले से, मैं 6 पे ही अपना गेम प्ले करता हूँ। यहाँ पे 40 कर देते हैं। 40 करने के बाद में अगर मैं बैक कर रहा हूँ, अब इस कार को, मतलब इस सुपर कार को, इस ऑफ रोड कार को अगर मैं पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये थोड़े दिन में जो है ये क्यों नहीं खींच रहा है, पुल तो कर लेना चाहिए था अभी। तो एक काम करते हैं, व्हीकल मल्टीप्लायर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एक 60 कर देते हैं इसे। 60 करने के बाद में अब कार को भगा रहा हूँ तो अभी भी जो है ये कार को ठीक तरीके से पुल नहीं कर पा रहा, बट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब ये कार को पुल कर रहा था, बट अभी जो है वो कार को पुल नहीं कर पा रहा है। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है, जब भी आप कोई कार को पुल करने की स्टोरी बना रहे हो तो आप लोग क्या करो, जो कार पुल कर रही है, मतलब जैसे कि जो कार पुल करना है वो कार थोड़ी सी लाइट रखो और जिस कार से पुलिंग करना है उस कार को जो है वो हैवी रखो। तो अभी जो है मैं 3 कार को स्पॉन, मतलब इस 3 कार को जो है मैं पुल करना चाहता हूं, तो वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने उस कार को जो है वो स्पॉन करा था। अब उस कार को मैं यहां पर लेकर आ जाता हूं, इस कार को जो है मुझे यहां पर लेकर आना है। इस कार को मैं यहां पर लेकर आया, इस कार को जो है मैं अभी अनहुक नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इस कार से जो है वो बाहर निकल रहा हूं।
मैंने अपनी सुपर कार को जो है वो अनहुक नहीं किया। अब मैं इस कार में जाके बैठ रहा हूँ और मैं पीछे की तरफ जो है वो एम करूँगा और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे कार को जो है वो पीछे लेना होगा क्योंकि मैं ठीक तरीके से इसे एम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक तरीके से जो है ये विंच नहीं होगी, तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ। मैं दोबारा से ये करता हूँ। अब मैं स्पेस बार दबाऊंगा और शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक साथ में दो कार को पुल नहीं कर सकता हूँ, विंच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं स्पेस बार और शिफ्ट प्रेस करूंगा वो या तो हुक होगा या तो फिर हुक फ्री होगा। अगर पहले से हुक होगा तो वो हुक फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये, अब मैं यहाँ पर अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर अब ये हुक हो जाएगा। पहले इस कार के साथ में जो है वो हुक लगा हुआ था, इन दोनों कार के साथ में हुक लगा हुआ था, वो पहले हुक फ्री हुआ, हुक फ्री होने के बाद में जो है वो यहाँ पर हुक लगा। अभी मैं ट्राई करता हूँ, मेरा जो मल्टीप्लायर है वो 40 का है तो इसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से खींच लेगा। खींच क्या लेगा भाई, ये तो कुछ अलग ही सीन कर रहा है। तो मैं मल्टीप्लायर जो है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मल्टीप्लायर रखना नहीं चाहिए। तो मैं व्हीकल मल्टीप्लायर पे गया और मैं दोबारा से इसे जो है 6 कर देता हूँ। 6 कर देते हैं हम लोग। 6 करने के बाद में अगर मैं इसे खींच रहा हूँ तो ये खींच लेता है, मतलब कि ऑफ रोडिंग की जो कार है वो कोई भी कार को जो है वो आसानी से टो कर लेती है, पुल कर लेती है। तो मैं अब इस कार को जो है, और मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो अब अगर हम अपनी कार को टो करते हुए अगर हमें जो ये हुक लगा हुआ है ये हुक को निकालना है तो हमें क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस करना है। स्पेस बार और कंट्रोल प्रेस करते ही वो जो हुक लगा हुआ था वो हुक फ्री हो गया है। अभी दोबारा से मैं स्पेस बार प्रेस करके, मतलब कि हैंड ब्रेक प्रेस करके और कंट्रोल प्रेस करूंगा तो दोबारा से उसी कार के ऊपर जो है वो हुक लग जाएगा। ये कार, ये चीज़ जो है मैं अपनी कार को चलाते हुए भी कर सकता हूँ। यहाँ पर चलते चलते जो है ये रुक गया है और मैं चलते चलते जो है ये कर भी सकता हूँ, मतलब चलते चलते तो नहीं करा मैंने बट चलते हुए भी आप ये कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब जो ये मोड है हम हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले तो मैं इसे अनहुक कर लेता हूँ। अनहुक करने के लिए मैं ऐसे भी अनहुक कर सकता हूँ, मुझे स्पेस बार और कंट्रोल प्रेस करना है, ये अनहुक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सबसे पहले वेदर चेंज कर लेता हूँ अपना। सो फ्रेंड, विच फॉर ऑल व्हीकल मोड को डाउनलोड करने के लिए हमें किसी ब्राउजर को ओपन करना है। gtfimods.com की वेबसाइट के ऊपर ये मोड मिल जाता है। डाउनलोड करने से पहले हमें इसका रिक्वायरमेंट चेक कर लेना है और इसे यूज कैसे करना है, मतलब कि इसका कंट्रोल जो है हमें देख लेना है। कंट्रोल जैसे कि मैंने बताया कि हैंड ब्रेक जो है वो प्रेस करके रखना है, एम करना है और उस वहां पर जो है शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट प्रेस करते ही जो आपका हुक रहेगा वो लग जाएगा। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, scriptbook5.net, ये सब जो है अगर आप अपने GTA 5 को मोड किए हुए हो तो ये सब आपको दोबारा से डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके गेम के अंदर ये मोड नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, इसे राइट क्लिक करना है, ओपन इन न्यू लिंक पे जो है वो कर लेना है और यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत ही इजी है ये सब इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं आपको मैन्युअली करके, मतलब कि आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। और ये जो scriptbook5.net है, अगर आप अपने GTA 5 को मोड किए हो तो दोबारा से ये सबको जो है आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो विजुअल C++ है और नेट फ्रेमवर्क है ये भी आपके पीसी के अंदर पहले से रहता है, बहुत ही गिने चुने पीसी में होगा जो वो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ही ईजी है। तो सिंपली हमें जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस मोड को। इस पर मैंने क्लिक किया है, दोबारा से मुझे डाउनलोड पर क्लिक करना होगा और ये जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी मोड की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। एक्सट्रैक्ट हमें इसलिए करना होता है क्योंकि zip फॉर्मेट में डाउनलोड होता है और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं WinRAR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। लेफ्ट साइड में मेरा डाउनलोड फोल्डर है और राइट साइड में मेरी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी है। अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूंगा, यहाँ पर मुझे एक फाइल मिल जाएगी, winch.dll। इस मोड के फाइल में सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल होती है तो मुझे इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर, अगर आपके GTA 5 की मेन डायरेक्टरी के अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर नहीं है तो आपको इसी तरह से बना लेना है। सभी जो लेटर्स है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। अब मैं इसे ओपन करूंगा, इसे ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये रिप्लेस के लिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से पेस्ट किया हुआ था। तो सिंपली ये जो मोड है विंच फॉर ऑल व्हीकल आपके गेम के अंदर इंस्टॉल हो गया है। कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया है। अब गेम के अंदर मिलते हैं वेदर को चेंज करके, तो मिलते हैं गेम में। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वेदर चेंज कर लिया है और जो मैं पहले कार को स्पॉन किया था वो सभी कार को मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लेता हूँ और हेलीकॉप्टर को स्पॉन करते समय हमें ये याद रखना है कि हमें लाइट हेलीकॉप्टर, मतलब कि हल्के हेलीकॉप्टर को स्पॉन नहीं करना है। अगर हम लोग बजट वगैरह को जो है वो स्पॉन करेंगे और उसे इसको
विंच करेंगे और फ्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो हेलीकॉप्टर का बैलेंस रहेगा वो आउट होता रहेगा और हम ठीक तरीके से हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ा पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक हैवी हेलीकॉप्टर जैसे कि ये है या फिर मैं इसे हेलीकॉप्टर को जो है वो स्पॉन कर लेता हूँ। इसे स्पॉन करने के बाद में मैं पहले जाके हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाऊँगा। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, मतलब कि अगर हम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के बाद में हम फायरिंग नहीं कर सकते, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये हेलीकॉप्टर का जो है गेट ही टूट गया है। तो मैं अब गेम पे आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर एम करना चाहूँ तो मैं एम नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतरने के बाद मैंने गन ले लिया है। गन लेने के बाद भी अगर मैं अंदर बैठ रहा हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने के बाद में हम लोग एम नहीं कर सकते, फायर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक बार हेलीकॉप्टर के अंदर बैठना है, बैठने के बाद में उतर जाना है। उतरने के बाद में जहां पर भी हमारी कार रहेगी, जो भी हमारी कार रहेगी, उस कार के थोड़ा सा जो है वो करीब चले जाना है। मैं कार को थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। कार के करीब जाने के बाद में सिंपल है, फिर वही हमें क्या करना है कि यहाँ पर एम करके रखना है। शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये जो है ये रोल मार देगा। तो हमें क्या करना है, स्पेस बार प्रेस करते ही शिफ्ट प्रेस कर देना। यहाँ पे मैंने स्पेस बार प्रेस किया और शिफ्ट मार दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंच जो है वो हुक जो है वो लग चुका है। अब मैं इस हेलीकॉप्टर के अंदर जाके बैठता हूँ। अगर ये जो हेलीकॉप्टर है वो ठीक तरीके से फ्लाई नहीं करेगा, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो ये ठीक तरीके से फ्लाई नहीं करता। अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, पीछे की तरफ जो है वो झुक जाता है या फिर उड़ नहीं पाता है ठीक तरीके से। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं व्हीकल मल्टीप्लायर जो है उसे बढ़ा देता हूँ। और व्हीकल मल्टीप्लायर मैंने 86 रखा हुआ है, फिर भी जो है ये वो ठीक तरीके से फ्लाई नहीं कर पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा जो है वो इसे कम कर देता हूँ, एक काम करते हैं 50 कर देते हैं। बट ये ऐसा प्रॉब्लम जो है वो कभी कभी हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है मतलब मैंने 3-4 बार ट्राई किया है, उसमें से एक बार जो है वो ठीक तरीके से ये फ्लाई हुआ था और 2-3 बार जो है वो ठीक तरीके से फ्लाई नहीं हुआ। तो मैं एक बार जो है वो दोबारा से ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर को जो है वो उड़ा लिया है, बट ये जो है वो पीछे की तरफ पे झुक जा रहा है और मेरी कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाला सीन हो जा रहा है यहाँ पर। तो मैं दोबारा से एक और बार ट्राई करता हूँ, ये लास्ट ट्राई रहेगा। तो ये ठीक तरीके से जो है वो उड़ तो रहा है। अभी मैं F8 प्रेस कर देता हूँ ताकि ये जो है वो आगे की तरफ उड़ने लग जाए। तो ठीक है, ये जो है अभी उड़ने लगा है। और ये जो कार है, इस कार के जगह पे आप बॉम्ब भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करो और उसे जो है वो हुक कर लो, उसके ऊपर आप स्टिकी बॉम्ब लगा लो। स्टिकी बॉम्ब लगाने के बाद में जैसे कि मैं ये कार मतलब इस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए लेके जा रहा हूँ, इस कार को लटकाते हुए, वैसे आप उस बॉम्ब को लेकर जा सकते हो और वो बॉम्ब जो है कहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हो। कहीं पर भी ड्रॉप करके आप अपनी अच्छी सी स्टोरी बना सकते हो। अगर आपको ये सीन सीखना है, मतलब कि ये सीन कैसे क्रिएट करना है कि हमें हेलीकॉप्टर से जाना है, बॉम्ब को जो है वो विंच करते हुए लेके जाना है और उसे बॉम्ब को जो है वो ड्रॉप करना है, अगर आपको ये सीन बनाना सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना है, इसके ऊपर भी जो है मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हेलीकॉप्टर है वो ठीक तरीके से इस कार को लेके जा रही है, बट कार की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आपको 3-4 बार जो है वो ट्राई करना होगा अगर ऐसा आपको सीन क्रिएट करना है तो। और अगर आप बॉम्ब यूज़ कर रहे हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगा के रखे हो, तो वो ठीक तरीके से जो है वो उड़ जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है और उसे हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत ही आसानी से टो कर सकती है, लेके उड़ सकती है। तो फ्रेंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वो सीन सीखना है कि हमें हेलीकॉप्टर से बॉम्ब ड्रॉप करने वाला जो सीन है वो सीखना है, तो मुझे कमेंट जरूर करना। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो विंच फॉर ऑल व्हीकल जो मोड है वो पूरी तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप इसका यूज करके बहुत अच्छी सी स्टोरी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करो चैनल को। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम की आईडी और डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, दोनों जगह मुझे फॉलो कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय। Fearless.